वेलकम टू पावर सैमसंग डेवलपर और मैं आपका ई आती हूँ। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो पे प्रोग्राम करेंगे। ये हमारे पास मॉड्यूल है ESP01 जिसमें IC लगा है ESP8266। ये मॉड्यूल है ESP01। तो आज हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसमें प्रोग्राम करेंगे कैडियो का और इसको कैडियो ऐप के साथ कंट्रोल करेंगे। मतलब कहने की मेन बात है कि इसको इसमें कैडियो का फर्मवेयर करेंगे और कैसे करेंगे फर्मवेयर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने रिले मॉड्यूल बनाया है जो कि 2 चैनल रिले मॉड्यूल है। तो इसमें हमने 12 वोल्ट की रिले लगा रखी है एंड कनेक्शन किए हुए हैं और इसके ESP01 को वोल्टेज देने के लिए इसके 3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसको वोल्टेज देने के लिए हमने लगाया यहाँ पर SMD वोल्टेज रेगुलेटर। एंड चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये मॉड्यूल चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैं चलो इसे कर लेता हूँ अटैच। इस मॉड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज कर लेना। एंड ये OTG वायर चाहिए, केबल चाहिए आपको, चाहे बड़ी हो जाए चाहे ऐसी छोटी हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर पिन को शॉर्ट, मेरे पास जंपर नहीं है तो इसलिए मैं इसमें ये जंपर वायर लगा रहा हूँ। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, ठीक है, तभी ठीक नहीं है इसलिए। तो चलिए इसमें कर लेते हैं प्रोग्राम हम। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें चाहिए फ़ोन, मोबाइल फ़ोन चाहिए और उसमें हमें ऐप को इंस्टॉल करना है। सॉरी, आपको ESP लोडर को इंस्टॉल कर लेना है, इसमें इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि गूगल कैडियो ऐप में जाना है, कैडियो ऐप भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, कैडियो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि कैडियो प्लेटफॉर्म पर जाना है, उसके बाद आवर वेबसाइट पे जाना है एंड उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो लिखा गया है डाउनलोड कैडियो फर्मवेयर एंड डेवलपर टूल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ESP फर्मवेयर 4 MB फ्लैश, आपको ये नहीं डाउनलोड करना, आपको करना है ESP8266 फर्मवेयर 2 MB फ्लैश, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप वापसी जाना है ESP लोडर में एंड सबसे पहले आपको इसमें लगा लेनी है OTG। ये मैंने OTG लगाई, OTG ये OTG आ गई, यहाँ से ऑन हो गया, ये देख सकते हैं ऑन हो गया ये। उसके बाद क्या करना है आपको, ESP लोडर में जाना है। ESP लोडर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड जो हमने फर्मवेयर की बिन फाइल बैनरी फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ पर लगा देना है। ये देखो ये आ गया ना कैडियो फर्मवेयर, इसको यहाँ से हमने कर लेना है फ्लैश। ये यहाँ से हमें एक्सेस कर देना है, ये फ्लैश हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये फ्लैश हो रहा है प्रोग्राम, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फ्लैश हो रहा है प्रोग्राम, ये देखिए। तो ये हमारा प्रोग्राम फ्लैश हो गया। अब हम इसे कर लेंगे रिमूव एंड ये भी निकाल देंगे, फ़ोन को रख देंगे साइड में एंड उसके बाद हमें इसको मॉड्यूल को यहाँ से निकालना है एंड डायरेक्टली क्या करना है हमें इसमें लगा देंगे। अब बात ये है, मुद्दा मेन ये है कि अब मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो इसलिए मैं स्टेप अप का इस्तेमाल करूँगा। इसमें मेरे पास स्टेप अप पड़ा है, इसमें मैं डायरेक्टली लगाऊँगा माइक्रो USB केबल, फिर हम इसमें करेंगे इसको करेंगे ऑपरेट मोबाइल से। तो मैं वायर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने वायर लगा दी एंड अब इसको मैं चार्जर से सप्लाई दूंगा।
ये मैं चार्जर से सप्लाई दे रहा हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दी चार्जर से, ये देखिए यहाँ पर करंट आ गया है। अब इसको मैं मैनेजमेंट करने के लिए से देखूँगा, चेक करूँगा कि कितने वोल्टेज है। तो मेरे पास ये जुगाड़ बना हुआ है एक, ये 12 वोल्ट दिखा रहा है इसमें। टर्मिनल को हम कर देंगे टाइट क्योंकि ये बार बार लूज हो रहा है। तो ये दोनों टर्मिनल मैंने कर दिए हैं टाइट बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे को क्या करना है, अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर देना है एंड वाईफाई को ऑन कर देना है। ये मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पर एक नेटवर्क आएगा कैडियो नाम से, आपको ये फ्लैश करने के बाद क्या करना है कि ऐप में जाना है, सीधा ऐप में जाना है। एक्चुअली मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ये कॉन्फ़िगर है पहले से, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली वाईफाई में जाना है, फ्लैश करने के बाद प्रोग्राम वाईफाई में जाना है। वाईफाई में यहाँ पर आपको कैडियो नाम से नेटवर्क शो करेगा, उसको कनेक्ट कर लेना है एंड अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर लेना है। कैडियो नाम के नेटवर्क से कनेक्ट करके मोबाइल डाटा ऑफ रखना है। ऑफ रखने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली कैडियो ऐप में जाकर, यहाँ पर मैं दिखा दूँगा, कैडियो ऐप में जाकर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है एंड कॉन्फ़िगर कर देना है एंड उसके बाद अपनी पिन जो है वो सेट कर देनी है। चलो